हेलो एवरीवन, मैं जेनेवल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे प्लस टू के अंदर है और उसके साथ साथ आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सभी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास जो सीरीज चल रही है वो जेई की चल रही है, जिसके अंदर आपको पूरा प्लस वन और प्लस टू का सिलेबस जो है वो कम्प्लीट करवाया जाएगा। उसके साथ साथ आप जब भी जो भी बोर्ड दोगे प्लस टू के अंदर, चाहे आपका स्टेट बोर्ड है, चाहे आपका CBSE है, चाहे आपका ICSE है, तो उसके अंदर भी आप अच्छे से कॉन्सेप्ट करके आओगे। वन बाई वन चीजें जो है वो बहुत अच्छे से डिफाइन करते हुए चलेंगे। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं अलग से क्लास भी ले रहा हूँ, तो वो क्लास भी आप जाके देख सकते हो, जो कि जेई के सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके अंदर आपको पूरे कंप्लीट मिलेंगे। हर टॉपिक वाइज मिलेंगे, हर चैप्टर वाइज अलग से मिलेंगे। सारी चीज अलग अलग चीजें मैंने डिफाइन कर रखी है, उसी तरीके से मैं आपको डिलीवर करूंगा। तो आपको भी बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले कॉन्सेप्ट करोगे, उसके बाद जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। तो हमारे पास जो प्लस टू का चैप्टर चल रहा है वो मैट्रिसेस चल रहा है, जो कि मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से उसकी डेफिनेशन करवा दी है। जो भी लेक्चर हमारे पास हो चुके हैं उसके अंदर मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करवा दिया है। उसके बाद हमने किया था मैट्रिक्स का जो सम ऑफ मैट्रिक्स है वो करवा दिया था। उसके बाद हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो देखो यार, अगर बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए रहता है ये कि जब बच्चे इसको करते हैं ना यार, तो एक एक चीजें बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, तब जाके मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर आपको सिखा दूंगा कि मल्टीप्लाई कैसे की जाती है कोई भी मैट्रिक्स की, और उसी कॉन्सेप्ट पे आपको आगे बढ़ना है, उसी कॉन्सेप्ट पे आपको सारी चीजें करनी है। अगर बात करें कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है, तो इसके अंदर क्या है कि मल्टीप्लाई बाय टू मैट्रिक्स बाय रो इनटू कॉलम। कोई भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है? रो इनटू कॉलम होती है। कहने का मतलब ए और बी जैसे दो मैट्रिक्स है, उन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होगी कि ए की तो रो लोगे और बी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? तो सम किया था हमने या आपने इक्वलिटी की थी, उससे कहीं ज्यादा अलग चीज होती है ये मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें क्या है कि जैसे ए बी इज पॉसिबल, ए बी पॉसिबल कब होगी? जब वेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। कहने का मतलब ए बी पॉसिबल कब है? जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए के नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर हो जाए? बी के नंबर ऑफ रो के, तो ये भी पॉसिबल होगी। उसके बाद लेट ए कोई मैट्रिक्स है aij m into n ऑर्डर की, बी कोई मैट्रिक्स है bij n into p की, दो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। तो इस केस में आपको क्या है, अच्छे से समझाता हूं। जैसे ए आपको कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m into n, ऑर्डर लिख रहा हूं मैं। बी कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है n into p। तो आप ए बी मल्टीप्लाई कराना है तो क्या चीज देखनी है, किसके नंबर ऑफ कॉलम, किसकी नंबर ऑफ रो क्या इक्वल है? तो आप कहोगे इक्वल है। अगर आपके पास इक्वल हुई तो क्या बोलोगे, ए बी आपके पास एग्जिस्ट है करेगा, ए बी एग्जिस्ट करेगा। बता किस ए बी एग्जिस्ट करेगा, तो एक चीज और देखो, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए टू बी, ए बी पॉसिबल हुआ तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम इन टू पी। तो जो ए बी का ऑर्डर बनेगा ना वो एम इन टू पी का, वो कैसे कि बाकी के जो दो इसके अंदर रह गए, इसकी नंबर ऑफ रो रह गई, इसके नंबर ऑफ कॉलम रह गए, एम और पी रह गया, तो इनका जो मल्टीप्लाई कराऊंगा एम इंटू पी का, तो ये इसका क्या बन जाएगा, ए बी का ऑर्डर बन जाएगा। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि हमेशा इस तरीके से बिठाना है। अगर ये जरूरी नहीं है कि ए बी एग्जिस्ट कर गया तो बी एग्जिस्ट करेगा, कैसे कि मैंने लिया कि बी ए निकालना है, तो बी को आगे बिठाया मैंने और बी का ऑर्डर ये ले लो एन इंटू पी का है, एंड ए का मेरे पास ऑर्डर क्या है एम इंटू पी का, सॉरी एम इंटू एन का ऑर्डर है। इसका देखोगे नंबर ऑफ कॉलम, इसकी नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल का केस है, बराबर तो नहीं है। अगर बराबर नहीं है ना तो आप क्या बोलोगे, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, बी ए एग्जिस्ट है नहीं करेगा। पता कि सुन, इस तरीके से आपको देखना है हमेशा। तो इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का ही मल्टीप्लाई पॉसिबल है, या ऑर्डर हो, ऑर्डर सेम हो तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है,
सिर्फ एक कंडीशन याद रखने मल्टीप्लीकेशन के अंदर, जो आप ये देखोगे कि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। चाहे ऑर्डर सेम ना हो, चाहे स्क्वायर भी ना हो, कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर की फॉर्म में ना है तो भी चलेगी, लेकिन ये कंडीशन 100% सेटिस्फाई करेगी तब मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। अब मेरे पास फोर एग्जाम्पल आपको दिया कि रो इंटू कॉलम कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, एक ही एग्जाम्पल मैं आपको सिखा देता हूं। तो ये मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, दूसरी बी कोई मैट्रिक्स है, तो आपको ए बी एंड बी ए निकालना है। तो ए बी अगर आप निकालते हो तो आपको क्या देखना है, ए बी के लिए ए आगे बैठा, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो क्या बराबर है, तो आप कहोगे इक्वल है। अगर आपके पास इक्वल है, इस केस में इक्वल हुआ, तो आप क्या बोलोगे, ए बी जो है वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो ए बी की मल्टीप्लाई करा के दिखा देता हूं मैं कैसे करना है। तो इसकी नंबर, इसकी रो और इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है, कैसे होगा ये चीज देख लो आप, ठीक है। पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो गया, 2 × 2 = 4। प्लस का साइन लगाना है, हमेशा हमेशा ऐड करना है, मल्टीप्लाई करा करा के एलिमेंट को ऐड करना है। फिर इस वन का इस वन के साथ मल्टीप्लाई, प्लस वन किया, बात आ गई सब। अब ये पूरा पहले कॉलम के साथ हो गया, अब दूसरे कॉलम पे जाएंगे, अब दूसरे कॉलम पे जाएंगे ना, इसका रख गया इस टू का इस थ्री के साथ, कितना हो गया 6, प्लस इस वन का 0 के साथ 0। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 का इस 2 के साथ, प्लस इस 1 का 9 के साथ, तो 9 हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो मैंने पहली रो पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ कराई। और लिखना कैसे है, उसको रो में लिखना है, हमेशा रो में ही लिखते चलोगे, सेम यही पैटर्न आपको अपनाना है। दूसरा रो बच गया, अब दूसरी रो की पहले कॉलम के साथ कराऊंगा। तो अगर पहले कॉलम के साथ करेंगे ना, तो इस 2 का इस 5 के साथ मल्टीप्लाई, कितना हो गया 10, प्लस का साइन लगाओ। इस 9 का इस 1 के साथ, कितना हो गया, प्लस का 9। अब इसका दूसरे के साथ कराओगे, 5 का 3 के साथ 15, प्लस 9 का इसके साथ 0। अब इसका नेक्स्ट के साथ कराएंगे, तो 5 का इस 1 के साथ मेरे पास हो गया 5। अब इस 9 का इसके साथ कितना हो गया, 81। तो मैंने दूसरी रो की तीनों कॉलम के साथ 1 by 1 करा दी और उनका ऐड कर दिया, और रो में क्या किया मैंने, लिखते चला है। अब ये अगर मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास कितना आ गया, ये चीज देखो, आपके पास हो गया ये 5, ये 6, ये आपके पास 11, ये आपके पास 19, ये आपके पास 15, और ये आपके पास 86 हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए बी आ गया। अब देखो ऑर्डर कैसे देखना है, कि जो मेरे पास बचा हुआ है बाकी का, इसका तो मेरे पास रो और इसकी जो कॉलम है वो बचा हुआ है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2 × 3 का, ये मैंने वहां पे आपको बताया था। तो देखो 2 रो है और 3 है कॉलम है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब जब आप बी ए निकाल रहे हो, ये तो ए बी आ गया, जब बी ए निकालोगे तो कैसे करना है, बी ए निकालना है तो बी सबसे पहले आगे बिठाओगे, बी का ऑर्डर क्या रहेगा वो देखोगे, 2 × 3 का है, कितने का है 2 × 3 का, और ए का कितना है 2 × 2 का ए बी। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रो क्या सेम है, नॉट इक्वल है, क्योंकि इसके अंदर तो बी के अंदर तो 3 कॉलम है और ए के अंदर 2 रो है, तो बराबर नहीं है। तो क्या बोलोगे, जो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, बी ए एग्जिस्ट है नहीं करेगा, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हो, डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट, तो बी ए यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपने देख लिया होगा कि कोई जरूरी नहीं है कि ए बी की मल्टीप्लाई कराने पे बी ए के बराबर आए, इसकी प्रॉपर्टी भी हम करेंगे आगे जाके, वहां पर भी आपको एक एक चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करनी है रो इंटू कॉलम के साथ। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन जो दिया है वो 3 × 3 और 3 × 4 ऑर्डर का दिया है, तो काफी अच्छा मल्टीप्लीकेशन आपको सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर। अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो मान के चलो आप मल्टीप्लीकेशन के अंदर कहीं पर भी आप अटकोगे नहीं, कहीं पर भी आपको दिक्कत है नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको निकालना है ए बी एंड बी ए निकालना है, तो ए बी के लिए ए बी निकालना है, तो ए का नंबर ऑफ कॉलम्स बी का नंबर ऑफ रोज क्या इक्वल है भी, तो आप कहोगे इक्वल तो है,
इक्वल है तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा कि ए बी जो है वो एग्जिस्ट करेगी, तो ए बी एग्जिस्ट करेगी तो निकाल देते हैं। निकालेंगे कैसे, ये देखो ए को मैंने क्या कराया, पहली रो लिया और इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराया। वन बाई वन कैसे कराते, इस वन का इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ वन, अगला साइन प्लस का लगाते हैं लेकिन माइनस थ्री और टू को मल्टीप्लाई कराया तो माइनस सिक्स हो गया, तो माइनस हो जाएगा प्लस का, तो इस टू का इस वन के साथ तो प्लस का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। पता की समझ में, ऐसे करना है। अब पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ कराओगे तो दूसरे कॉलम के साथ जब भी कराएंगे तो कैसे करोगे कि वन का फोर के साथ, वन का फोर के साथ कितना हो जाएगा फोर, माइनस थ्री का फोर के साथ माइनस का ट्वेल्व, टू का माइनस टू के साथ माइनस कितना हो जाएगा चार। बता की समझ। अब इसका तीसरे कॉलम के साथ कराओगे तो वन माइनस थ्री प्लस का टू, ये हो गया कंप्लीट। अब इसका जो है चौथे कॉलम के साथ कराएंगे, अब वन बाई वन कराते चलना है, मैंने यही बोला है आपको, तो वन का जीरो के साथ जीरो, माइनस थ्री का वन के साथ माइनस का थ्री, प्लस टू का इस टू के साथ प्लस का फोर, तो ये मेरे पास पूरा कंप्लीट हो गया। बता किस, तो पहला रो तो सब कॉलम के साथ बी के कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी रो उठाऊंगा और पहले कॉलम के साथ करूँगा, टू का इस वन के साथ तो कितना हो गया टू, इस वन का इस टू के साथ, पहले मैंने इसके साथ करवाया वन का टू के साथ प्लस का टू, माइनस थ्री और वन माइनस का थ्री, ठीक है। अब इसका दूसरे के साथ कराऊंगा तो मेरे पास कितना हो गया, चार दूनी आठ, वन और फोर माइनस प्लस का फोर और प्लस का सिक्स हो गया, भी माइनस का थ्री और माइनस का टू प्लस का सिक्स हो। अब इसका मेरे पास हो गया तो इसका तीसरे कॉलम के साथ और कराऊंगा तो कितना हो गया टू प्लस वन माइनस थ्री। मैं थोड़ा फिर से करा रहा हूँ भी, आप देखिएगा सेम ऐसे ही करना है। चौथे कॉलम के साथ टू का जीरो के साथ जीरो, वन का इस वन के साथ प्लस वन माइनस थ्री माइनस का सिक्स, ये भी कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद अब आपको क्या करना है, पूरा का पूरा अब किसके साथ कराओगे अगला, आपको ये रो लेनी है पहले कॉलम के साथ, फोर का वन के साथ, ठीक है। कितना हो गया फोर, माइनस थ्री प्लस का टू माइनस का सिक्स, माइनस वन प्लस वन माइनस का वन, दूसरे के साथ फोर का सिक्सटीन माइनस थ्री माइनस बारह माइनस प्लस का टू, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट वाले के साथ फोर माइनस थ्री माइनस वन हो जाएगा, जल्दी कर रहा हूँ भी थोड़ा, इसके साथ इसका चौथे कॉलम के साथ करवा रहा हूँ। अब मेरे पास हो गया जीरो, फोर का तो जीरो के साथ माइनस थ्री और प्लस का वन माइनस का थ्री, और इस माइनस वन और टू के साथ माइनस का टू, ये मेरे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसकी जो और बाकी की वैल्यू, इसकी रो और इसका कॉलम बचा हुआ था, इसका ऑर्डर बढ़ना चाहिए थ्री इंटू फोर का, तो देखो थ्री इंटू फोर का है, तीन रो है चार कॉलम है, वैसा भी इसको सोल्व कर लो तो आपके पास ए बी जो आएगा ना वो क्या आ जाएगा, देखो भी ये मेरे पास प्लस का थ्री माइनस का सिक्स माइनस थ्री, ये मेरे पास फोर से फोर कटा माइनस का बारह, ये मेरे पास पूरा कट जाएगा जीरो, ये मेरे पास क्या हो गया प्लस का वन, अच्छा ये मेरे पास प्लस का वन बचेगा, ये मेरे पास बारह और छः अठारह, ये भी मेरे पास जीरो हो जाएगा ये वाला, अच्छा ये वाला माइनस का पाँच, ठीक है ना। अब अगला करता हूँ माइनस का सात और चार माइनस का तीन, ये मेरे पास हो जाएगा अठारह और बारह जाएगा छः, ये भी मेरे पास जीरो हो गया अगला भी, और ये मेरे पास माइनस का पाँच, तो ये मेरे पास क्या गया, ए बी आ गया, जिसका ऑर्डर मेरे पास क्या है थ्री इंटू फोर का। बता की समझ, ये तो ए बी आ गया। अगर आपको इसी केस में दूसरा बोल रखा है बी ए निकालना है तो मैंने क्या बोला है कि बी आगे बिठाओगे और ए बाद में बिठाओगे, फिर उसका ऑर्डर चेक करोगे। अगर ये काम करना है तो मैं क्या करूँगा बी ए के लिए, चलो यहीं पे करके दिखा देता हूँ, ये आपने कर लिया होगा अच्छे से, एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से करनी है, उतारते चलना है, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको। बी ए निकालना है तो बी का ऑर्डर कितना है, देखो थ्री इंटू फोर का, ए का ऑर्डर कितना है थ्री इंटू थ्री का, तो इसकी नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो क्या बराबर है, नॉट इक्वल का केस है,
नॉट इक्वल का केस है, इसका मतलब बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, बी ए एग्जिस्ट है नहीं करेगा, बी एग्जिस्ट है नहीं करेगा, बात आगे समझ। इसी तरीके से हर बार आपको कोई भी दो मैट्रिक्स दिया उनको सोल्व आपको करना है, इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करनी है, जो मैंने आपको कराया वन बाई वन किस तरीके से मल्टीप्लाई कराना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है मल्टीप्लीकेशन का। ये चीज सीख ली तो इस पूरे चैप्टर में आप कहीं पर भी आपको कहीं दिक्कत है नहीं आएगी, ये मैं 100% आपको बोलता हूं, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको एक शॉर्ट फॉर्म में लेके जाएगा, उसके साथ साथ आपको कंपटीशन में 100% आपकी हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। क्योंकि जब मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो आपको पता है कि जेई के अंदर लेंथी आता है, लेंथी का मतलब हो गया कि क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, बच्चे को आता है लेकिन टाइम लगता है। तो देखो यार, 3 घंटे आपके पास पेपर में होते हैं लेकिन उस 3 घंटे में आपको सारे सब्जेक्ट करने पड़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स जब बच्चा लास्ट में करता है तो टाइम बहुत कम बचता है और उस टाइम में मैथमेटिक्स हो नहीं पाता, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास कैलकुलेशन लंबी करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट तरीके भी होने चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तब जाके चीज़ें पॉसिबल होती है, बता की सुन। तो ये हमारे पास क्या है कि आपको नोट दिया है एक कि ईजिएस्ट मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस इज मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन जो आसान होती है वो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के बीच में होती है। डायगोनल मैट्रिक्स जो कि मैंने आपको करवाया भी था कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स कैसे आप करनी है, किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है ए कोई मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है 1-1 और 8, बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है डायगोनल 2-3-1, आपको ए स्क्वायर बी निकालना है। क्या निकालना है? ए स्क्वायर बी। तो इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करोगे इस चीज को आप देखिएगा। डायरेक्ट आपको कैसे करना है कि ए स्क्वायर बी निकालना है ना, तो ये आपको बता देता हूं कि ए स्क्वायर बी आपको डायगोनल ही देगा मैट्रिक्स, ठीक है। और ये सिर्फ डायगोनल एलिमेंट इसके अंदर d1 d2 d3 की वैल्यू दे रखी है, सिर्फ पता कि सिर्फ किसकी वैल्यू दे रखी है, d1 d2 d3 की, बाकी एलिमेंट क्या रहते हैं, 0 0, ठीक है। तो हमारे पास कैसे मल्टीप्लाई कराना है इस चीज को देखिएगा। तो a का स्क्वायर कर रखा है, इसका मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लीजिए, तो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू में फिर क्या बैठा है, b मल्टीप्लाई बैठा है ना, तो b का भी पहला एलिमेंट होना चाहिए इसके साथ मल्टीप्लाई, a का पहला एलिमेंट का स्क्वायर और b का पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब a का दूसरा एलिमेंट -1 का स्क्वायर और b का दूसरा एलिमेंट कितना है, 3, इसकी मल्टीप्लाई। फिर a का तीसरे एलिमेंट का स्क्वायर और b का तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, बात आ गई समझ। अब इसको सोल्व करो, डायगोनल 2, 3 और 64, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी। तो हर बार आपको ऐसे ही करना है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, कोई भी ज्यादा चीज नहीं खींचने, बिल्कुल भी 100% आपका करेक्ट जाएगा, 100% ये तरीका अपनाना है हर बार। कोई भी जब डायगोनल मैट्रिक्स दे रखे, और कंपटीशन में ही सबसे ज्यादा इसका यूज होता है कॉम्पिटिशन में, ठीक है, 100% आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। कोई डायगोनल मैट्रिक्स है ना, उसको इस फॉर्म में लिया के भी आप सोल्व कर सकते हो कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट दिए बाकी 0 0 है, तो आप हमेशा ये तरीका यूज कीजिएगा, आसान पड़ता है। आपने भी देखा है कोई ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करनी है, बिल्कुल भी आपको ज्यादा चीजें नहीं खींचनी, बताइए समझ में। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट कराया, मैंने यही बोला है कि आपको कैलकुलेशन के लिए आपका बहुत कम काम मैं कर दूंगा पूरा बोर्ड में, लेकिन आपको बोर्ड में जो बच्चा बैठता है ना उसको पूरा एक्सप्लेन करना होता है जो जो आपके दिमाग में होता है, 1 बाई 1 चीजें, तब आपको नंबर मिलेंगे वहां पे, लिखने के नंबर मिलते हैं आपको, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कंपटीशन में जितना कम शॉर्ट फॉर्म में आप कैलकुलेशन करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन करने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैथ हमारे को इसी तरीके से चलाना है, क्योंकि दोनों चीज इक्वल चलानी पड़ती है तब बच्चा IIT के अंदर पहुंचता है, क्योंकि बोर्ड में भी आपके नंबर चाहिए 75%, तब जाके आपको IIT के अंदर इलिजिबल आप होते हो, नहीं तो आप इलिजिबल नहीं होते। ये बहुत बड़ा गेम खेल रखा है बच्चों के साथ, जो कि 75% क्राइटेरिया का है। देखो भी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हम इतनी देर से कर रहे हैं, ए बी एग्जिस्ट कर रही है,
इसके अंदर हमारे को निकालना है ए कोई मैट्रिक्स है, दूसरी बी कोई मैट्रिक्स है, ए बी बताना है। तो एक बात तो ए का ऑर्डर कितना है, 3 × 2, तीन रो है, 1, 2, 3 रो है और कॉलम कितने थे, 2, तो 3 × 2। इसका ऑर्डर कितना है बी का, 3 × 3। तो जब ए बी निकालोगे ना, ए बी आपको पास एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो आपको क्या करना है, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो क्या बराबर है, तो आप कहोगे नॉट इक्वल का केस है, नॉट इक्वल का केस है। अगर नॉट इक्वल का केस है इसका मतलब ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, ए बी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हर बार जरूरी नहीं है कि ए बी एग्जिस्ट करेगी, हमेशा कंडीशन एक ही देखनी है आपको। इस केस में देखो क्या बी एग्जिस्ट करेगी, ये चीज और चेक कर लो। तो बी ए के लिए आपको बी आगे बिठाना पड़ेगा, 3 × 3 ऑर्डर है, कितना है 3 × 3 का ऑर्डर है। ए आप आगे बिठाओ, ए पीछे बिठाओगे और बी आगे, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो क्या बराबर है, तो आप कहोगे इक्वल है। तो इसका मतलब मेरे पास बी ए एग्जिस्ट करेगा, क्या होगा, बी ए एग्जिस्ट है करेगा, बी एग्जिस्ट है करेगा, बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से आपको हर बार चेक करना है। तो आपने देखा कि यहां पे ए बी तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बी ए क्या कर गया, एग्जिस्ट है कर गया। इसी तरीके से कोई रट्टा नहीं लगाना किसी प्रकार से, आपको चीजें जो कर रहे हो बिल्कुल डिफाइन वे में करनी है, सारी चीजें एक 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 अच्छे से सोल्व करनी है, जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, अभी भी कह रहा हूँ, कोई भी आपको बुरा नहीं लगेगा। शुरुआत में देखो यार, चीजें करोगे आराम आराम से तो टाइम तो आपको लगेगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप चीजें करते जाओगे आपकी स्पीड उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, और आप कैलकुलेशन दो दो तीन तीन स्टेप बीच में से काटते चलोगे, आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, जब जाके मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन बढ़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ये बता देता हूँ। ए मेरे पास ये दे रखा है, देन शो दैट ए एन इक्वल, इसके बराबर आना चाहिए 4 ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन, सभी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए आपको ये शो करना है ए इसके बराबर है, तो ए की पावर एन क्या इसके बराबर आ रहा है। तो ये प्रूव करने के लिए आपको बता देता हूँ, जब भी बोर्ड में आता है तो 5 नंबर में ये दिया जाता है, मल्टीप्लीकेशन में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। इसको सीख लिया, मान लो धरती की सारी चीज सीख ली मल्टीप्लीकेशन की, उसके साथ साथ कंपटीशन में किस तरीके से देगा वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ इस चीज पे, कि कंपटीशन में आपको इसी क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले ए दिया है, तो ए की पावर एन जाने के लिए, तो मेरे को ऐसे तो है नहीं मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा ए की पावर एन कर दूंगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ए दिया है तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए क्यूब निकालना है, ए की पावर 4, ऐसे चलते चलते जाएंगे और ए की पावर एन तक, लेकिन सारी तो पॉसिबल नहीं होती। तो इस चीज में क्या लगता है, हमेशा एक सीक्वेंस बनती है, उस सीक्वेंस पे ए की पावर एन डायरेक्ट आता है, कैसे ये चीज देखो। सबसे पहले ए तो दिया है मैं निकालूंगा, उसके बाद ए स्क्वायर, क्या निकालूंगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कैसे आता है, ए इंटू ए करेंगे, तो ए इंटू ए करेंगे तो ए कितना है कोस थीटा, क्या दिया है आपको, ए कितना दे दिया अभी, कोस थीटा के बराबर है, साइन थीटा यहां पे माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, इसके बराबर आपको क्या दिया है, ए दिया है, इंटू में ए और कर रहा हूं वापिस, तो सेम लिखवा इसको, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा कैसे करना है आपको, जब कंपटीशन में बैठोगे तो मल्टीप्लाई करते करते तो इस क्वेश्चन में थक जाते हैं। तो आपको जब भी ए स्क्वायर करूंगा तो इसकी पहली रो इस पहले कॉलम के साथ, तो कोस थीटा का कोस थीटा के साथ, को स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का माइनस साइन थीटा के साथ, तो प्लस का क्या हो जाएगा बीच में, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसकी दूसरे कॉलम के साथ कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, बीच में प्लस का साइन लगेगा, साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, ओचपोच नहीं करना बिल्कुल भी, चीजें अच्छे से करनी है, ओचपोच करोगे तो दिक्कत आएगी यार, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में एक एक चीज अच्छे से देखनी है आपको, ये हो गया। अब दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अब इसका इसके साथ माइनस का कोस थीटा और साइन थीटा हो गया, अब इसका इसके साथ, तो माइनस का
साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर की, ठीक है। अब आपको जब भी सोल्व कर रहे हो तो आपको ये फॉर्मूला तो याद है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिगो के अंदर हम पढ़ते प्लस वन में, तो ये होता है कोस टू थीटा का फॉर्मूला। किसका होता है? कोस टू थीटा का। ये जब भी करोगे ना कोस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, तो इसको अगर लिखवाऊं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि मेरे पास टू टाइम्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये फॉर्मूला किसका होता है? साइन है टू थीटा का। बात आ गई समझ में? तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन है टू थीटा का फॉर्मूला। बात आ गई? ये माइनस माइनस के अंदर है, माइनस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस कोस थीटा साइन थीटा, माइनस टू टाइम हो जाएगा, तो माइनस का साइन है टू थीटा के बराबर हो जाएगा। ये भी ये सेम यही फॉर्मूला बेटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो कोस है टू थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? कोस है टू थीटा के बराबर। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाला? ए स्क्वायर निकाला। क्या निकाला मैंने? ए स्क्वायर निकाल लिया। सिमिलरली आपको क्या निकालना है? ए क्यूब निकालना है। क्या निकालना पड़ेगा? ए क्यूब। तो ए क्यूब के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं करूंगा ए स्क्वायर इंटू में ए करूंगा, बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो ए क्यूब बन जाएगा ना, वही सेम तरीका नॉर्मल अलजेब्रा काम करेगा यहाँ पे। तो आपके पास ए स्क्वायर कितना आया था, ये चीज देखिएगा आप, कोस टू थीटा साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा कोस टू थीटा, और ए क्या था? कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पे एंगल थीटा था, यहाँ पे इसका डबल बैठा है, वैसे और कुछ नहीं था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको याद ही हो जाएगा इस तरीके से बता दूं आपको। मेरे पास कोस टू थीटा साइन टू थीटा माइनस का साइन टू थीटा, और मेरे पास कोस है टू थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई आपके पास जाएगा ए के साथ, ए क्या था? कोस थीटा साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा और है कोस थीटा। अब वैसे इसकी मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई जब भी कराओगे रो इनटू कॉलम के साथ, इसका पहले के साथ, तो आपके पास कितना हो गया? ये चीज देखो, कोस टू थीटा कोस थीटा के साथ, कोस का टू थीटा इंटू में कोस थीटा, साइन टू थीटा और इस माइनस साइन थीटा के साथ, तो साइन माइनस हो जाएगा बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा अंदर लिख देता हूं सिर्फ। ये जो माइनस था ना, ये प्लस की जगह क्या बना देगा? इसको माइनस, इसका हो गया। अब इसके दूसरे कॉलम के साथ कराऊंगा मैं, कोस टू थीटा इंटू में साइन थीटा, इसका इसके साथ प्लस लगेगा साइन टू थीटा और कोस थीटा। बता की समझ में? ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरी रो लूंगा मैं पहले कॉलम के साथ, माइनस का साइन है टू थीटा और क्या हो गया? कोस थीटा। अब इसका इसके साथ कोस टू थीटा, माइनस साइन था तो ये बार आ गया, तो साइन थीटा रहा है सिर्फ, ठीक है। अब इसका तीसरे के साथ कराऊंगा, सॉरी दूसरे कॉलम के साथ कराऊंगा, दूसरी रो का, माइनस का साइन है टू थीटा साइन थीटा, अच्छा प्लस कोस टू थीटा इंटू में कोस थीटा। ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया अभी? ए क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए क्यूब आएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो लगा है ना, ये देखो कोस टू थीटा कोस थीटा माइनस साइन टू थीटा साइन थीटा। सिमिलरली ये देखो माइनस का साइन टू थीटा कोस थीटा, ये वाला सेम बैठा है, प्लस का पीछे बैठा है। तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद है, मेरे पास बनता है ये फॉर्मूला, कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला किसका होता है भी? कोस ए प्लस बी का। किसका बनता है? कोस ए प्लस बी का। सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम लगेगा, क्योंकि इसमें माइनस का बार आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला सेम बनेगा, पूरे के माइनस बार आएगा, तो ये वाला और ये वाला। तो इसका क्या है कि मेरे पास अगर बात करूं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कहने का मतलब इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है वो ये लग रहा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो कितना हो जाएगा? साइन ए प्लस बी, ठीक है ना। ये हो जाएगा मेरे पास। अगर ये हो गया तो अभी इस केस में दोनों पे ये फॉर्मूले इस पे और इस पे सेम लगेगा, डायगोनल वाले में इस पे और इस पे सेम लगेगा।
तो मार दो फटाफट। तो यहां से मेरे पास ये हो गया कोस 2 थीटा प्लस थीटा हो गया। सिमिलरली इस पर कितना हो गया साइन 2 थीटा प्लस थीटा ये बन गया, जो कि ये वाले फॉर्मूले लग रहे हैं। इस पर भी माइनस आ जाएगा साइन 2 थीटा प्लस थीटा हो गया, क्योंकि इस पूरे से माइनस बार आ गया तो ये वाला सेम हो गया। इस पे हो गया कोस 2 थीटा प्लस थीटा, तो मेरे पास ये इसके अंदर आ गया। तो यहां से जब भी इसको सोल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया, इसको सोल्व किया तो मेरे पास हो गया कोस का 3 थीटा, ये हो गया मेरे पास साइन का 3 थीटा, ठीक है। ये मेरे पास हो गया माइनस का साइन 3 थीटा, ये हो गया कोस का 3 थीटा, ये मेरे पास ए क्यूब आ गया। तो आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी ये सिक्वेंस चल रहा है तो किस वे में चल रहा है, ये चीज देखो आप कि मेरे पास ए जो था ना, वो तो मेरे पास ये था कि कोस थीटा यहां पे, साइन थीटा यहां पे, ये माइनस साइन थीटा था और ये मेरे पास कोस थीटा। जब मैंने ए स्क्वायर किया तो इसका एंगल डबल हो गया था, कितना हो गया कोस का 2 थीटा साइन 2 थीटा, माइनस का साइन 2 थीटा और कोस का 2 थीटा, डबल हो गया था ना। जब मैंने पावर 3 की, जब पावर 3 की तो मेरे पास क्या बना, ये चीज देखो, ए क्यूब किया तो मेरे पास बना कोस का 3 थीटा साइन का 3 थीटा, माइनस का साइन 3 थीटा और कोस का 3 थीटा, यही था। आप देख सकते हो अच्छे से जाके दोबारा, यही था मेरे पास कोस 3 थीटा साइन 3 थीटा की फॉर्म में बैठा था, ये साइन 2 थीटा की फॉर्म में बैठा था, जो मेरे पास ए स्क्वायर था, ए मेरे पास थीटा बैठा था सिर्फ। तो इसी तरीके से अगर आपको ये बोला कि मेरे को क्या करना है, ऐसे ही चलता जाएगा। सिमिलरली मेरे को जो बताना है ना, वो ए की पावर एन बताना है। क्या बताना है आपको, ए की पावर एन की वैल्यू बतानी है। तो क्या रहेगी, एंगल जब पावर एक थी तो थीटा बैठा था, जब मैंने स्क्वायर किया तो डबल हो गया, जब मैंने क्यूब किया तो मेरे पास 3 टाइम्स हो गया। तो ए की पावर एन करूंगा तो सिर्फ कितना हो जाएगा, एन टाइम हो जाएगा, कोस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस का साइन एन थीटा और कोस का एन थीटा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ। आपको ऐसे ही प्रूफ है करना है, ये प्रूव्ड हो जाएगा। बात आ गई सुन। अब यहाँ पे तो हमने क्या किया कि ये बोर्ड में आपका काम आएगा, लेकिन अगर बात करता हूं कि कंपटीशन में जेई में आपको कैसे करना है, तो आप इस क्वेश्चन को दिमाग में बिठा सकते हो। कोई भी स्टेटमेंट में सिर्फ हमेशा चेंज आता है ना, वो क्या आता है, या माइनस साइन थीटा है ना, तो कई बार यहाँ पे माइनस दे देता है, ये माइनस यहाँ पे लगा देता है सिर्फ, तो हमेशा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा हमेशा, सेम रिजल्ट। तो कितनी भी पावर करने के लिए बोले, उतने ही मल्टीपल क्या कर दोगे आप, एंगल को कर दोगे हमेशा। कुछ भी सोल्व नहीं करना है कंपटीशन में, लेकिन बोर्ड के अंदर पूरा सोल्व करके दिखाना पड़ेगा वन बाय वन, जो मैंने जितना आपको करवाया है उसी बेस पे आपको चलना पड़ेगा। तो किसी भी वे में अगर ये हमारे पास पूरा कंप्लीट होता है मल्टीप्लीकेशन का, तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका डाउट आपका अच्छे तरीके से पूरा सोल्व करके दूंगा। भी आपको हर चीज हर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखना है, मैं भी आपको वन बाय वन जो चीजें करा रहा हूँ, एक एक चीजें आराम आराम से करवा रहा हूँ, आपको बड़े मजे से चीजें करनी है। आपको ऐसे नहीं कोई जल्दबाजी करनी है यार, क्योंकि हमारे पास जब पूरा साल पड़ा है इस चीज में, पूरे साल में एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखोगे, जब जाके आपका जेई मेन और जेई एडवांस दोनों क्वालिफाई होते हैं। जेई एडवांस हमेशा आपसे कॉन्सेप्ट मांगता है, आपका रट्टा नहीं चलेगा यहाँ पे। कॉन्सेप्ट जिस बच्चे के क्लियर है, जो बच्चा कॉन्सेप्ट को आपस में जोड़ सकता है, वो ही जेई एडवांस में कामयाब होता है, और बच्चा कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हमेशा सरप्राइज पेपर होता है जेई एडवांस का। अब की बार कितने नंबर का आएगा किसी को पता नहीं, अगली बार कितने नंबर का आएगा किसी को पता नहीं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे किसी को पता नहीं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मल्टी अब मान लो मल्टी कोरेक्ट के दे दिए आपको, इंटीजर के दे दिए, मैट्रिक्स टाइप दे दिए, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन देता है, इसीलिए पहले से पता नहीं होता न्यूमेरिकल आएगा इंटीजर आएगा, जितने भी टाइप अलग अलग देता है, कौन सा डिलीट कर देता है कौन सा टाइप ऐड कर देता है। हर मान लो जो एक क्वेश्चन बन रहा है ना, तो दो दो तीन तीन चैप्टर से मिला के देता है, उसमें अलग अलग चैप्टर अलग अलग कॉन्सेप्ट लगते हैं। अगर डायरेक्ट एक चैप्टर से भी क्वेश्चन देता है तो इसका मतलब उसमें दो से तीन कॉन्सेप्ट आपसे लगवाएगा, तब जाके सोल्व होता है, नहीं तो सोल्व नहीं होता।
तभी कह रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट जिस बच्चे के अच्छे हैं वो जेई एडवांस में हमेशा आराम से कामयाब होता है, नहीं तो कामयाबी जेई एडवांस में नहीं मिलती। एक ही तरीका है कॉन्सेप्ट सीखने का, जो कि जेई मेन, जेई एडवांस और बोर्ड में सब जगह आपके काम आता है और इन फ्यूचर भी आपके काम आएगा, जब आपने बेसिक अपना बहुत अच्छे से बना लिया है, चीज़ें बहुत अच्छे से कर ली है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पेपर देंगे मल्टीप्लिकेशन की, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो करेंगे। तो सभी बच्चे जुड़े और अपने प्लेटफॉर्म पे, आपको ये जो लेक्चर है वो अपने ऐप पर भी मिल जाएंगे, जो कि अजय न्योल मैथमेटिक्स के नाम से ही अपनी एप्लीकेशन है। किस नाम से है? अजय न्योल मैथमेटिक्स के नाम से अपनी एप्लीकेशन है, इस पर भी आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे लेक्चर मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इतने तक आपको पूरे लेक्चर आपको कंप्लीट करने हैं, पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से करने हैं और प्रैक्टिस भी आपको बहुत अच्छे से लगानी है अलग अलग बुक के अंदर। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक आपको लेनी है, किस तरीके से आपको जेई के अंदर यूज करना है, किस तरीके से आपको बोर्ड के अंदर करना है, कहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, सारी बातें करेंगे हम। इतने तक आप इस चीज़ को पूरा कंप्लीट है कर लीजिए।